5 किलो राशन में वो कितना राशन पड़े उसे पूरा परिवार चल जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप लोग शहर से हैं, कहते हैं कि शहरों में किसी को दिक्कत नहीं होती, सब बताया जाता है कि हर कोई जो देहात में रहता है उसको दिक्कत है, शहर में रहने वालों को दिक्कत नहीं है, सच में बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, शहर में दिक्कत का है ना, सब कुछ में दिक्कत हुए, महंगाई भी बा, घर परिवार भी चलावे के बा। नमस्कार, अभी हम लंका मैदान में हैं। लंका मैदान में आज इस तरह से पिछड़ा दलित और अति दलित सहित महिलाओं का जो सम्मेलन है, कांग्रेस कहीं न कहीं आने वाले समय में जो चुनाव लड़ेगी और मोदी सरकार को नीचे गिराने का भी काम करेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम सीधे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ आपका? सीमा विश्वकर्मा। सीमा विश्वकर्मा, आप शहर के नगर अध्यक्ष हैं? जी, शहर अध्यक्ष। आपसे हम जांच करना चाहेंगे कि आज जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है, क्या लग रहा है कि जो सरकार है महिलाओं का सम्मान सही से कर पा रही है? सरकार सब कुछ ठीक है उसका, लेकिन यहाँ पे जो महिलाओं का मेन मुद्दा है रोजगारी है और ये गरीबी यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ की महिलाओं कोई संस्था नहीं है कि कोई ऐसा टीम रोजगार घर दे महिलाओं को कि मतलब आगे अपना परिवार चला सके। केवल आदमी कमाता है, महिलाओं लोग झेलना पड़ता है और अधिक होता है तो परिवार में टेंशन होता है, महिलाओं का लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, पैसा की परिवार में कमी तो लड़ाई झगड़ा चालू, इसीलिए यहाँ की महिलाएं बहुत मतलब कि अच्छी तरह से नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम तो यही सोचते हैं कि अगर सरकार अगर कोई अच्छा यहाँ पर सुविधा दे दे हम लोग महिलाओं को तो अपने घर में बैठे कम से कुछ काम दे दे। बीजेपी की, आप बीजेपी की सरकार से खुश है कि नहीं? वो खुश कितना हम लोग है तो वो हम लोग महिलाओं ही जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इतना महंगाई हम लोग को ज्यादा हो कि नहीं, महंगाई इतना हम लोग मतलब कदम चू रहा है। आप कह रहे महंगाई है, सिलेंडर हर कोई भरवा रहा है, आप हर कोई को इनकम मिल बढ़ रही है, अब कैसा दिक्कत है आपको? लीजिए इनसे पूछिए महंगाई, बहुत महंगाई है कि पूछना ही योग्य नहीं है कितना महंगाई है। मान लीजिए कि ठीक है, अगर एक तरफ अगर कोई उनका डाउन हो रहा है दूसरे का तरफ महंगाई कर दे रहा है, कहीं भी तो रास्ता निकलने का हो ही नहीं रहा है कि हम लोग निकले चलिए कोई भी एक मुद्दा है, अगर कोई भी कहाँ कमी हो रहा है। राशन तो मिल रहा होगा? राशन 5 किलो राशन में वो कितना राशन पड़े उसे पूरा परिवार चल जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर आप लोग शहर से हैं, कहते हैं कि शहरों में किसी को दिक्कत नहीं होती, सब बताया जाता है कि हर कोई जो देहात में रहता है उसको दिक्कत है, शहर में रहने वालों को दिक्कत नहीं है, सच में बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, शहर में दिक्कत का है ना, सब कुछ में दिक्कत हुए, महंगाई भी बा, घर परिवार भी चलावे के बा, वही में कमाई भी कम बा। इतना शहर में क्या क्या दिक्कत होता है? कुल चीज की दिक्कत होता है, पानी के भी, गैस भराना के लिए, राशन पताई के भी, साग सब्जी के बनाने के लिए भी दिक्कत होता है। हाँ, तब अभी मांगा ही नहीं है। महिलाओं का हम खुद ही कितना रोज धरना प्रदर्शन, कितना लड़ाई झगड़ा हम लोग किया जाए बताइए, इतना हम लोग का पैसा नहीं है कि हम लोग महिलाओं कम से कम कुछ भी, हम लोग खुद परेशान हैं तो इन लोगों का क्या करें। महिलाएं आए दिन आती जाती है कि मैडम कुछ करिए कुछ करिए, क्या किया जाए बताइए, 5 किलो राशन में नहीं चल रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, हम लोग क्या किया जाए। अच्छा, महंगाई से इतना परेशान हो जाती है आप लोग की आपसे कहना पड़ता है कि कुछ करिए इसके लिए? जहाँ तक होता है समाज सेवा, कुछ महिलाएं जो आती हैं, जो समझ में आता है हमारा, जो हेल्प करते हैं, जो नहीं होता भाई जितना हमारा उतना तो करते हैं, उससे में कुछ लड़कियां हैं सब है जो शादी ब्याह हो कुछ ऐसी सब है, और जहाँ हेल्प करता है थोड़ा बहुत करते हैं अपने उससे। मतलब एक बात अगर हम आपसे बातचीत करें कि सच में जिस तरह से कहा जाता है कि शहर में महिलाएं खुश रहती हैं, परिवार उनका सुखी रहता है, लगता है कि महिलाएं शहर की सही रहती हैं? नहीं, हर घरों में कुछ ना कुछ दिक्कत तो चली रही है, कुछ लड़की के शादी करना, स्कूल पढ़ाना लिखाना, हर चीज का। अच्छा, माता जी बात बताइए कि आपके बच्चे होंगे बच्चियां होंगी, रोजगार की अगर बात करें सच में रोजगार मिल पा रहा है किसी? नहीं, किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा, सब बेरोजगार ही है, कोई बच्चे लोग घूम रहे हैं पढ़ाई करके, बहुत बच्चे घूम रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, सब कुछ ना कुछ से पीड़ित है। आपके बच्चे होंगे, आप सपना देखी होंगी कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, चाहे बच्ची पढ़ेगी लिखेगी तो रोजगार पाएगी, तो क्या लग रहा है सरकार में रोजगार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, लड़का कुल सड़क पर घूमता है, पढ़े लिखे के भी सुविधा नहीं है, उनके कमाए खाए के भी दिक्कत है पूरा। हाँ, घर में औरत कितना परेशान हो जाती है कि क्या करे अपने लड़का बच्चा को, क्या 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 करेंगे, क्या कैसा बढ़ेगा आगे, कैसे रोजगार चलेगा, घर पर परिवार चलाएंगे,
सभी परेशान हैं। आप ये बताइए कि आप भी इस सम्मेलन में आई हैं, क्या लग रहा है कि सरकार से खुश है आप लोग? नहीं है खुश हम लोग। क्यों? इधर चला करिए। इसलिए खुश नहीं है, भाजपा सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है और तुम पर जुलूम हो रहा है। बीजेपी सरकार में राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है और इतना ही तक लोग, अभी तो पुलिस की भर्ती भी आ गई है सामने। कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। आज तक से कुछ नहीं भाजपा सरकार में मिल रही है, जो भी राशन मिल रही है फ्री में मिल रही है, वो भी दिखावे में मिल रही है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस बहुत कुछ करेगी, ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं करेगी, कांग्रेस बहुत कुछ करेगी। नेता जी आप तो कांग्रेस से जुड़ी है, कांग्रेस क्या करेगी अगर आ जाएगी तो बताइए? कांग्रेस क्या करेगी? बहुत कुछ करेंगे। पहले कांग्रेस ही एक ऐसा सत्ता था जो पहले के दुख दर्द समझता था, और इस समय की जो सत्ता है वो कहाँ दुख दर्द समझ रहा है। मान लीजिए गरीब इसे सबके समझ नहीं, जनता जनता जो हम लोग मध्य परिवार जो पिछड़ी जात हम लोग है वही काफी परेशान है। बाकी जो जो पैसा वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग काफी जाते महिला है। अभी हम लंगा मैदान में है, जिस तरह से महिलाओं से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या महंगाई, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या आज अगर देखें तो महिलाओं को सही रूप से ना तो सिलेंडर का दाम कम हो पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। बाकी देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस, लगातार सत्ता पे चर्चा हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया।